5 साल पहले जब मैं गांव से शहर आया तो इन जगमगाती सड़कों ने, इस तेज रफ्तार से भागती जिंदगी ने, इस काली स्याही से रचे अंधेरे ने मुझमें एक अनोखा नशा भर दिया। बाबा के बताए रास्तों पर चला तो सही कुछ दिन, पर फिर मेरी भूख ने मुझे इन रास्तों पर ज्यादा दिन चलने न दिया। अजीब बात तो यह है कि हथौड़ों और कीलों की आवाजें मेरे कानों को चुभती थी। पर बंदूक से निकला वो शोर, मैं चमकी इस दुनिया का मामूली प्यादा कब इस शतरंज का खिलाड़ी बन बैठा पता ही नहीं चला। जात पात, धर्म खोट, भ्रष्टाचार, झूठ, धोखा और पैसे से भरी इस दुनिया में सिर्फ बंदूक का ही जोर चलता है। यहाँ कोई उसूल, कोई सच, कोई धर्म और पाप या पुण्य की कोई औकात नहीं। इंसान यहाँ कुछ जानता है तो वो है सिर्फ भूख, पैसा और ताकत। लोग कहते हैं शहर की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से बड़ी बड़ी इमारतें शुरू हो जाती हैं, पर सच पूछो तो शहर की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ लोगों के दिल बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है और नीयत बदल जाती है। जब मैं गांव से आया था तो मुझे लगा कि इस रफ्तार भरे शहर में मेरे सपनों को भी उड़ान मिल जाएगी। आज इस शहर की चकाचौंध से, इसकी भागदौड़ से और इसके ठंडेपन से मुझे दहशत सी होने लगी। ये शहर मेरे लिए अनजान हो चला है, बिल्कुल अजनबी, और इस भीड़ में मैं बेहद अकेला हूं, बेहद अकेला। पर मैं अर्जुन लड़ूंगा, लड़ूंगा इस भीड़ से, हर उस हथियार से जो मेरे उसूलों और सोच के खिलाफ है। मैं करण यकीन रखता हूं सिर्फ ताकत में। उसूल, सच और सोच जैसे शब्द सिर्फ अपने आप को दिलासा देने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। इन दो अलग पात्रों को, दो अलग सोच को एक ही रास्ते पर मिलवाऊंगा मैं, समय। गांव की ये गलियां, ये खेत मुझे कभी नहीं भाए। गांव से शहर जाने वाली सड़क को मैं कई बार नाप चुका था। ये मिट्टी कभी मेरी थी ही नहीं, ये लोग कभी मेरे थे ही नहीं, ये लोग कभी मेरे बन नहीं पाए क्योंकि मैं कभी इनका ना था। बचपन से मुझे गांव के बाहर रखा गया। आखिर मेरा कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मैं एक नीची जाति का था। कैसे बुला दूं, कैसे भुला दूं वो बेइज्जती, कैसे मान लूं इस गांव को अपना। ना कभी मैं इस गांव का हिस्सा बन पाया और ना ही ये गांव कभी मेरा हिस्सा बन पाया। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा छोटा सा वो खेत, बलखाती नदी वो रहट, खुला आसमान वो ठंडी हवाएं, वो दोस्त मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी सांसें यहीं हैं, इसी जन्मभूमि पर। ये खेत, ये हरियाली, नीला आसमान, सब छोड़ आया, छोड़ना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा ये गांव, क्योंकि कुछ रिश्तों से रुस्वा हो गया मैं। कर्ज में डूबे मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली।
अपनी बहनों की शादी अब मेरी जिम्मेदारी थी। और गांव में रहते मेरे हाथ बंधे हुए थे, इसलिए छोड़ आया मैं ये गांव अपनी किस्मत को शहर की काली स्याही से रचने। कैसी विडंबना है, दोनों ने ही शहर की तरफ पलायन किया। कारण और इच्छा दोनों ही अलग अलग, और जरूरत, लो मैं भी कितना आगे निकल आया, तुम भी थोड़ा और बढ़ो। सच ही तो है कि अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी होती है, तो कौन जीतेगा इस लड़ाई में? फिलहाल ये देखो, एक जिंदगी है तो दूसरा मौत। भीड़ ने मुझे धक्का दिया, मजाक उड़ाया मेरा, सब हंसे मुझ पर, कीड़ा मकौड़ा समझा मुझे सबने, पर मैंने भी हार नहीं मानी। उन्हीं की जुबान सीख ली और उन्हें ही पढ़ाया पाठ। हाथ में बंदूक देखी तो जगह अपने आप बनती गई, मंजिलें खुद ब खुद सामने आ गई। ये शहर आज मेरी मुट्ठी में है, मेरी ठोकर में है। कैसा बेमुरव्वत शहर है ये, कितना बेगाना, कितना रूखा। दहशत और वहशत से भरा, पत्थर की दीवारों की तरह पत्थर हुए लोग, ठंडे और बेजान। रिश्तों की कोई कीमत नहीं, खून का मूल कुछ भी नहीं चाहे, पानी का मोल तय है। न पांव के नीचे जमीन है, न सर पर कोई छत, सिर्फ एक टुकड़ा आसमान झांकता है इमारतों की दरारों से। भटक रहा हूं यहां से वहां, बाबा की जिम्मेदारियां पूरी करने आया हूं, पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इतनी भीड़ में कोई अपना नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथ किसी के खून से मैले हों, पर शायद इस शहर में जिंदगी जीने के उसूल मेरे उसूलों से कई बड़े हैं, इसलिए मुझे ये बंदूक उठानी पड़ी। और उठाता रहूंगा मैं इसे तब तक जब तक मैं इस शहर में अपनी जगह नहीं बना लेता। समय की मांग है खून, मुझे इस शहर में अपनी जगह बनानी है, चाहे उसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि मैं बदल गया हूं, क्या रात और दिन बदल गए हैं? शंख की आवाज नहीं बदली, मस्जिद से आती आजान नहीं बदली, पानी की बूंदों की आवाज नहीं बदली, हवा की सरसराहट नहीं बदली, सदियों पुरानी वो कथा नहीं बदली, उसके पात्र नहीं बदले, सिर्फ बदल गए उनके चरित्र, उनकी सोच और उनका कर्म। कोई नहीं जिम्मेदार इस अंत के लिए, नियम है ये तो सृष्टि का, जैसा तुमने बोया वैसा पाया। जीवन का गति चक्र चलता है जब सहज से, तो अंत भी सहज हो जाता है। पर इच्छाओं के पंख लिए दौड़ोगे यदि ऊंची उड़ान, तो एक दिन ये कटे वृक्ष सा गिरना ही था तुम्हें। कल तुम थे जहां, आज खड़ा है वहां कोई और उसकी जगह एक दिन कोई और आ जाए। निरंतर इसी क्रम में अनिश्चित सा जीवन घूमता है, और तय होता है अंत जो निश्चित है। इस अंत को तय करता हूं मैं। Thank you.